बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर पीटीआई का सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर भरपूर एहतजाज। पीटीआई क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। अली जैदी, खुर्रम शेर जमान, हलीम आदिल शेख समेत दीगर की शिरकत। इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ नारेबाजी। अली जैदी बोले, इलेक्शन कमीशन को पहले याद नहीं था कि मुहर्रम है, बल्ले के फेंटे से इनकी कांपें टांग रही हैं। खुर्रम शेर जमान और हलीम आदिल शेख समेत दीगर रहनुमा भी फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते रहे। एक तरफ 13-14 चोरों का टोला और उनकी सपोर्ट में ये जिसका दफ्तर है इलेक्शन कमिश्नर, और एक तरफ इमरान खान, तहरीक इंसाफ और पूरी आवाम उनके साथ। तो वो जो बल्ले ने फेंटा मारा उससे इनकी कांपे टांग गई। ये सारी चीजें देख के ये घबरा गए और उन्होंने बहाना बना लिया कि जी इलेक्शन पोस्टपोन करें, मुहर्रम। जब डेट अनाउंस की थी उस वक्त मुहर्रम याद नहीं था, और तुम मुझे बता रहे हो मुहर्रम कब आना है? वो भाई दुनिया भर में बारिश होती है, क्या सब चीज मुलतवी हो जाती है? कम है तो खड़ा हूँ। ईद के दिन बारिश थी, कुर्बानी हो रही थी, ईद आगे कर देते, क्या बेकार की बातें हैं। और जो ये इलेक्शन का सामान है ये सारा तो आर उसको पहुंचा दिया इन्होंने। ये तो सारे के सारे जरदारी माफिया के लोग हैं। स्टैम्प भी उनके पास पड़े हैं, बैलेट पेपर भी उनके पास पड़े हैं, बक्से भी और डिब्बे भी उनके पास पहुंचा दिए गए। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। जैसे आसे जरदारी तुम्हारे करतूत काले हैं और सारा पैसा जो तुम्हारे पास है वो भी काला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।